अल्लाह जैसा कि हमने फ़र्स्ट लेक्चर में यह डिस्कस किया कि वट इज़ एस टीम और वट इज़ सी एस एस ठीक है एस टी एम बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होती है ठीक है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और जो सी एस एस है वो एक स्टाइलिंग शीट है ठीक है और वो एस टी एम के पेजेस को डिज़ाइन और उनको एक बेटर व्यू देने के लिए स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होता है ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे कि एस टी एम पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं तो आपको एस टी एम एल पेजस क्रिएट करने के लिए किसी एडिटर की या किसी आईडीई uh, डी की या किसी टूल की यूज़ ज़रूरत पड़ेगी ठीक है जिनमें से कुछ मैंने सामने मेंशन किए हैं ये नोट हो गया नोट प्लस प्लस वगैरह इनको यूज़ करके भी ये बेसिकली टेक्स एडिटर्स हैं इनको यूज़ करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं एस्टिमेल पेजेस ठीक है मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप कोई प्रॉपर टूल यूज़ करें लाइक माइक्रोसॉफ्ट विजुल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड ठीक है हम लोग इस कोर्स में वी एस कोड पे सारे पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे स्टाइलिंग वगैरह वहाँ पे करेंगे ठीक है और हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स होंगे इस कोर्स के अंदर वो हम बी एस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में